कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति का किया गठन। बिहार से मीरा कुमार और तारिक अनवर को समिति में किया गया शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम वर्षा से प्रभावित जिलों औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का लिया जायजा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी ने कहा, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है सरकारी तंत्र पर हावी। अररिया में पिछले दिनों एक पत्रकार की हुई हत्या को लेकर सत्ता पक्ष और विरोधी दल के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। सत्ता पक्ष का बयान, पुलिस कर रही है तेजी से कार्रवाई। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने नागपंचमी महावीरी झंडा त्यौहार को लेकर जिले में प्रेम, सद्भाव एवं शांति बनाए रखने को लेकर शांति समिति की बैठक की। पश्चिम चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र में एक पंच की निर्मम तरीके से हत्या की कर दी गई। इस मामले में छानबीन में जुटी पुलिस। पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के सिंघा नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार में 22 से 26 अगस्त तक बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। भारत और आयरलैंड के बीच T20 क्रिकेट का दूसरा मैच आज डबलिंग में खेला जाएगा। चीन के मकाओ में संपन्न 11वीं एशियन जूनियर वुशू चैंपियनशिप में बिहार के राहुल कुमार ने 38 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक।